नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पाकुड़ जिले के मुसल थाना क्षेत्र के जानकी नगर में सड़क किनारे दर्जनों हाईवा खड़ी थी, जिसमें से एक ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते एक ट्रक से तीन ट्रक तक आग पहुंच गई। ट्रक धू धू करके जलने लगा। सूचना पाकर दमकल विभाग मौके पर पहुंचे। आग की लपटें दूसरे वाहन पर जाने ही वाली थी, वैसे स्थानीय लोगों ने टैंकर के पानी से आग को काबू करने की कोशिश की। पुलिस कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाई। वहीं मौके पर उपस्थित ग्रामीण एवं पुलिस कर्मियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। साथ ही स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि सभी ट्रक अली एंड ब्रदर्स कंपनी के मालिक की है। लोगों ने यह भी बताया कि मुफसिल थाना क्षेत्र के कई गांव पाकुड़ जिले के पूर्वी छोर पर बसा हुआ है, जहां पर आग लगने वाली कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो पाकुड़ से दमकल का वाहन आती है, जिसको लेकर देर हो जाती है। लोगों ने मुफसिल थाना क्षेत्र में एक दमकल वाहन की व्यवस्था करने को अपील जिला प्रशासन से की है। जानकी नगर में पार्किंग में तीन ट्रक पर आग लगने की सूचना मिली थी। तत्काल प्रभाव से फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया और स्थानीय लोगों के सहयोग से पानी के छिड़काव करके यहाँ पर आग को काबू पा लिया गया है। अभी फिलहाल आग लगने का कारण का पता नहीं चल पाया है और इस पर छानबीन की जा रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।